जैसा रिकॉर्ड आएगा तब। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। जो उसमें जायरीन भी हैं, कुछ श्रमिक भी हैं, वो नागौर से आ रहे हैं, कुछ जयपुर से आ रहे हैं, कुछ पाली से आ रहे हैं, कुछ अपने जो श्रमिक हैं, टोटल 500 से ज़्यादा अजमेर से हैं, बाकी जयपुर नागौर से हैं। अभी 4 बजे जाएगी, यहाँ से पूर्णिया जाएगी, उसमें सारी व्यवस्था की गई है, सैनिटाइजर, खाना पानी, उसके साथ साथ जो उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है लेबर की, रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन जाके देखिए, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की माकूल व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि जायरीन और जो श्रमिक है अपने घर पे जो सरकार ने निर्णय लिया है उसके मुताबिक सकुशल पहुँचे। कहाँ जा रहे हैं? ये पूर्णिया बिहार। इसके अलावा जो जायरीन अधिकांश तो ये बिहार के हैं, पूर्णिया के जायरीन। बंगाल की अपनी एक ट्रेन चलेगी, बाकी कई लोग बसेस से गए हैं, इसके बाद बहुत कम जायरीन, कुछ कर्नाटका के हैं, कुछ और हैं, उसके लिए भी जैसे जैसे व्यवस्थाएं होगी सरकार। काफ़ी मेरे हिसाब से 4,500 में से ऑलमोस्ट आज का शामिल करते हो 4,000 के आसपास लोग चले जाएंगे, कुछ भी कर्नाटका के बच्चे हों, कुछ झारखंड के बच्चे हों, बाकी दरगाह कमेटी से हम लोग टच में हैं। अनरजिस्टर्ड जो मजदूर हैं उनके लिए नहीं, मजदूरों के बारे में आज ही आपने अखबार में पढ़ा था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय है जिले की, और कितनी देखिए स्थिति जो है वो आप सभी के नॉलेज में है कि हमारे कई क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव लोग मिले हैं, उनमें से हर एक की हिस्ट्री ये बताती है कि कोई कहीं से ऑब्वियसली ऑफिशियल तरीके से ही आए हैं, पास लेकर के किसी की मेडिकल इमरजेंसी में आना जाना हुआ है, तो कोई हॉस्पिटल दिखाने गए हैं, उनको कोरोना था तो उससे दूसरे साथी को हो गया। जिन भी क्षेत्रों में कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं उन सभी क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, लगभग 14 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। हालाँकि पुराने कर्फ्यू क्षेत्रों को हम एग्जामिन कर रहे हैं, उसमें कुछ कटौती की जाएगी, बाकी जहां पर भी लोग मिल रहे हैं उन्हें लगातार ये बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें ताकि ये और नहीं फैले।